हाय एवरीवन, वेलकम टू द पार्ट टू ऑफ द यस्टरडेज लेक्चर। अगर किसी ने पार्ट वन नहीं देखा है तो उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये वीडियो सीरीज के अंदर हम लोग वीकली करंट अफेयर्स को कवर करते हैं दो पार्ट्स के अंदर। पिछले हफ्ते के जो हॉट टॉपिक्स होते हैं करंट अफेयर्स के, जिनकी बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है एग्जाम में आने के लिए, उनको हम दो पार्ट्स में कवर करते हैं। दिस इज़ द सेकेंड पार्ट। माई नेम इज़ रोहित गर्चा, दिस इज़ अभिमन्यु IAS which has more than 25 years of experience in this particular field and has given out more than 2200 positive selections since 1999. Let's begin the lecture and for complete course, watch till the end of the video, jahan pe main aapko detail mein bataunga ki what the master course of current affairs 2024 is all about. Right now, sit attentively, try to understand each and everything. Let's begin. So, abhi UN Secretary General ki ek speech thi, जिसके अंदर कुछ कुछ चीज़ें हाईलाइट हुई हैं एंड आई फेल्ट कि इनकी जो स्पीच है दैट इज़ वेरी वेल स्ट्रक्चर्ड है ना, कि एनवायरनमेंट प्रॉब्लम्स क्या हैं, हमने क्या करना है। तो ये एक पर्टिकुलर करंट अफेयर आपका सारी एनवायरनमेंट जो आपने पढ़नी है उसकी समरी है ये, ठीक है। जो भी आप एनवायरनमेंट में पढ़ोगे, इस एनवायरनमेंट में थोड़ा डिटेल में पढ़ोगे, जैसे इसके अंदर उन्होंने ट्रिपल प्लैनेटरी क्राइसिस बता दिया, ट्रिपल प्लैनेटरी क्राइसिस है ना। इफ़ यू सी, पढ़ो उसको एक बार, कौन कौन सी है तीन। यही नहीं है सारी प्रॉब्लम्स की जड़, एक बार आप देखोगे तो इंटरलिंक्ड भी हैं तीनों। कौन सा? हाँ, ये उन सारी चीजों के कल्मिनेशन है। हाँ, यस, ठीक है। तो ये एक ऐसा टर्म है, ये मुझे लगता नहीं है कि ऑल ओवर इंडिया ज्यादा लोग पढ़ रहे हैं इस पर्टिकुलर टर्म को। स्पीच इतनी ज्यादा हाईलाइट नहीं हुई है, तो अगर कोई आपका क्वेश्चन आता है मेंस के अंदर, चाहे PCS का, क्योंकि एनवायरमेंट पे आता ही आता है, तो आप ये ट्रिपल प्लैनेटरी क्राइसिस को हाईलाइट कर सकते हो। सेकेंड इज, जो उन्होंने एक तो क्राइसिस के बारे में बात करी है, दूसरा उन्होंने बोला है मिस्ड एनवायरमेंटल गोल्स। कौन से गोल्स की बात कर रहे हैं? SDGs और यस, वेरियस कन्वेंशंस के अंदर वेरियस गोल्स हैं। फॉर एग्जांपल पेरिस, या क्या है उसका गोल, क्या है, 2030 तक आपको जीरो कार्बन का लेना देना नहीं है वहाँ पे, वो इसकी बात कर रहे हैं टेम्परेचर की। दो डिग्री सेल्सियस, हाँ 2 डिग्री सेल्सियस तक आप उसको अपने 2030 तक जो है उसको लिमिट करना है। और अब जो करंट डाटा आ रहा है इसको पेरिस एग्रीमेंट को ही अपडेट करके 1.5 डिग्री सेल्सियस तक कर दिया गया है, राइट। और पेरिस का एग्जाम्पल क्यों लिया हमने, पेरिस एग्रीमेंट का, बिकॉज इट इज ए लीगली बाइंडिंग वन, दैट इज वाई वी हैव मेंशन। उन गोल्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, और उसमें क्या लिखना है यहाँ पे, आप साइड पे लिख लीजिए। बाय द वे, सबसे पहले ना बायोडाइवर्सिटी लॉस जहाँ पे लिखा है, जिनको नहीं, जिनको टर्म्स चाहिए इसके लिए वो लिख लो, एक एक लाइन में लिख लेते हैं क्या है, क्या मतलब एग्जैक्टली बायोडाइवर्सिटी लॉस का। डिक्लाइन और डिसअपीयरेंस ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इंक्लूडिंग, या दैट इंक्लूड्स एनिमल्स, प्लांट्स एंड इकोसिस्टम्स। कोमल बच्चे, ये एक और पॉइंट यहाँ पे आ रखा है, मेंटल हेल्थ स्क्रीनिंग पॉसिबल नहीं होती बच्चे, मेंटल हेल्थ को स्क्रीन नहीं किया जा सकता।
अगर कोई आ रहा है, ये ऐसा नहीं है कि आपके चेहरे पे वो नकली वो फ्रेम लगा के ऊपर लेंस लगा के आपको चश्मे का नंबर बता दिया जाएगा. इट इज़ नॉट एन ऑब्जेक्टिव थिंग, दिस कैन नॉट बी मेजर्ड. मेंटल हेल्थ में यही प्रॉब्लम है, ऑब्जेक्टिव नहीं है, सब्जेक्टिव फीलिंग है. अब मैं सेम जोक मान लो मैं अरमान को जितना मर्जी बोलते रहूँ, है ना, ये उतना दिल पे नहीं लेके जाएगा. प्रॉबेबली आप में से कोई होगा जिसको मैं अगर सेम बात बोल दूंगा सेम तरीके से, उसके लिए बहुत बड़ी बात होगी और वो एक हफ्ता वो बात सोचेगा. सब्जेक्टिव चीज़ है मेंटल हेल्थ, है ना. बात तो ही बहुत, तो मैं इसको पत्थर दिल बोल दिया मैंने और मुस्कुरा रहा है. देखो जस्ट मैं जो एग्जाम्पल समझाना चाह रहा हूँ मैं, राइट, वेरी डिग्री है. तो जो आपने लिखा हुआ यहाँ पे मेंटल हेल्थ स्क्रीनिंग, वो इसलिए पॉसिबल नहीं है. सोशियोलॉजी के अंदर भी जब हम माइक्रो में चले जाते हैं, दो टाइप की होती है ना, मैक्रो माइक्रो, इंडिविजुअल लेवल पे चले जाते हैं ना, सोशियोलॉजी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि अब ना आपको फीलिंग्स को भी काउंटर करना पड़ता है. इसीलिए रिलेशनशिप्स में लड़ाई होती है, क्योंकि एक की आदत होती है कि फैक्ट तो ये है, दूसरा बोलते प्यार से भी तो बोला जा सकता था. सब्जेक्टिव है सारे बहुत सताए हुए लग रहे हैं मुझे यहाँ पे क्या हाँ ये उम्र ही ऐसी है. हाँ हाँ होगा, अभी बहुत प्रैक्टिकल दूंगे अभी तो, ये उम्र ही ऐसी है. पर आई हैव सीन पीपल स्टक इन दैट एज. सो अगर बात छोटी है तो छोटी ही रहने दिया करो, कोई भी हो चाहे. सो 80 साल के 25 साल के बूढ़े देख रखे हैं मैंने, और 26 साल के 65 साल के जवान भी देखे हुए हैं, राइट. सो उम्र और समझदारी का कोई आपस में लेना देना नहीं है, कोई भी नहीं है. अगर कोई बोल रहा है तो वो झूठ है, कुछ नहीं है. इट इज़ हाउ यू मेक सेंस ऑफ अ पर्टिकुलर सिचुएशन, अदरवाइज शादियों में क्यों लड़ाई हो रही है ऐसी? क्या तुम ईगो अपने हाथ में लेके घूम रहे हो कि कोई भी आके हर्ट कर दे रहा है, राइट. आ जाओ, सब्जेक्टिव है. आ जाओ बच्चे, क्या बात कर रहे थे हम अभी? बायोडाइवर्सिटी. क्या लिखा है हमने? इकोसिस्टम, ठीक है. बायोडाइवर्सिटी लॉस का मतलब ये है, और ये किसी भी रीजन से हो सकता है. एज सिंपल एज आपने एक पेड़ काट दिया, एज सिंपल एज ओवर फिशिंग हो गई है, राइट, और माइनिंग, ये सब कुछ इसमें इंक्लूड हो जाता है. दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि अम्ब्रेला टॉपिक है ये. और क्लाइमेट चेंज, ये भी लिख लो, क्लाइमेट डिसरप्शन है. क्लाइमेट चेंज का क्या मतलब है? बहुत आसान भाषा में लिखेंगे, रेफर्स टू लॉन्ग टर्म शिफ्ट्स इन टेम्परेचर्स एंड वेदर पैटर्न्स दैट विल ऑल्टर. ध्यान रखना मैं मेन ही यूज कर रहा हूं वर्ड यहां पे, विल कर रहा हूं यूज, ग्रेविटी समझो. दैट विल ऑल्टर द इकोसिस्टम्स सपोर्टिंग लाइफ. ये मतलब है जी क्लाइमेट चेंज का. एक ऐसे सिस्टम को डिसरप्ट करा जा रहा है जिस सिस्टम के ऊपर लाइफ चल रही है. हॉस्पिटल की बत्ती गुल करने वाली बात है जहां पे वेंटिलेटर्स लगे हुए हैं, एज सिंपल एज दैट. ठीक है बच्चे, आगे देखते हैं. इसमें बात करी हुई है इन्होंने कि ट्रांसफॉर्मेटिव सॉल्यूशन, जो की सेक्टर्स है जहां पे ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए वो कौन से हैं, वो भी आपके लिए आइडेंटिफाई कर दिया. सेक्रेटरी जनरल, इतने बड़े बड़े लोग लगते हैं तुम्हें छोटी बात समझाने के लिए, कहां से आप लेके आए हो. देखो आगे देखिए, एनर्जी सेक्टर, इस पे काम चल रहा है इंडिया में. ये हाईलाइट है बच्चे आपका, आप समझो इस बात को. मैं क्यों ये चीज पढ़ा रहा हूं आपको, आपको ये सारी चीजें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि इंडिया में एनर्जी सेक्टर नंबर वन क्या सिनेरियो चल रहा है, नंबर टू इंडिया फ्यूचर क्या प्लान कर रहा है, नंबर थ्री ट्रांजिशन हो कैसे रही है. अगर कोई भी सवाल आएगा वो इसी पे से आएगा, इसके बाहर बन ही नहीं सकता, है ना. स्मार्टली, खैर ये स्मार्टली वर्डेड भी है स्टेटमेंट, बट इसके बाहर है भी कुछ नहीं, राइट. एनर्जी सेक्टर, नेक्स्ट इज फूड प्रोडक्शन. इसके ऊपर हमने मेंस का एक सवाल किया भी था, है ना. क्लाइमेट, हमने क्लाइमेट को और फूड सिक्योरिटी को लिंक करा था, उसमें हमने एनर्जी सेक्टर को स्पेसिफिकली अवॉइड किया था. नेक्स्ट इज बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन,
अल्टीमेटली हम उसी के लिए कर रहे हैं। और पॉलिसी क्या एक्शन लेने की बात कर रही है ना। अभी यहां पे बाय द वे स्टेक होल्डर्स के ऊपर बात आएगी, इसके ऊपर अर्बनाइजेशन, वो अर्बनाइजेशन ना करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, बट वो बोल रहे हैं कि सस्टेनेबल सिटीज बनाओ, स्मार्ट सिटीज बनाओ। तो एक बहुत सिंपल सा फंडा रहता है कि हमेशा ही जो है वो हमेशा ही आपको ग्रोथ और जो डेवलपमेंट है और इन्वायरमेंट अभी आपको ना आमने सामने खड़े हुए दिखते हैं, इट इज़ वर्सेस का रिलेशन है इसके बीच में, ये हाथ नहीं पकड़ रहे हैं एक दूसरे का। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? डैम बनाओगे तो पॉपुलेशन इधर उधर जाएगी और वेजिटेशन सबमर्ज हो जाएगी, लेकिन आपको बिजली भी चाहिए। एक तरफ आप सरकार से डिमांड कर रहे हो 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी की, दूसरी तरफ बोल रहे हो बठिंडा वाला पावर प्लांट कब बंद करो जी, उधर वाला पावर प्लांट भी बंद करो आप, वहां पे कोल से प्रोडक्शन हो रही है लेकिन मोटर तो चलनी है, वहां तो बिजली चाहिए, बिजली कहां से आएगी? तो हमेशा आपको इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट ना आमने सामने खड़ी हुई दिखेगी। ये आपको बोल रहे हैं हाथ मिला लो कि डेवलपमेंट ऐसे करो कि सस्टेनेबल हो जाए, जोशीमठ क्राइसिस है ना, आपको सब कुछ इंटरलिंक मिलेगा। सेकेंड इज लाइफ स्टाइल चेंजेस, इसके ऊपर भी हम बहुत सारी स्कीम कर चुके हैं। एक तो वही है आपके प्रधानमंत्री का मिशन लाइफ है ना, वो लाइफ स्टाइल चेंज करने की बात कर रहे हैं उसमें। लास्ट इज जीरो पोल्यूशन एक्शन, कि आप जो भी कर रहे हो वो एक सर्कुलर इकोनॉमी में होना चाहिए। सर्कुलर इकोनॉमी समझते हो कि जो जैसे निकल रहा है वो वापस से वहीं पर आप यूज़ कर रहे हो, आपने यूज़ किया और उसके बाद में आपने रिसाइकल किया, सेम को फिर से रॉ मटेरियल बनाया और आपकी इकोनॉमी सर्कुलर हो गई है। दैट मींस कि आप एक्स्ट्रा इनपुट नहीं ले रहे जो कि आपका इन्वायरमेंट से आना था, है ना, वो मुद्दा इस बात का। ठीक है बच्चे, एनी क्वेश्चन इन दैट? स्ट्रेट फॉरवर्ड है ये, तो आपको एक स्ट्रक्चर ही दिया गया है बेसिकली, है ना। एक एक मेंस का क्वेश्चन लिख लो, एलूसीडेट, ये साथ साथ लिख लेना, एलूसीडेट कॉमा अकॉर्डिंग टू यू कॉमा the top three priority sectors in India that can handle, that can handle the triple planetary crisis, can को हटा के ना shoot कर दो, ठीक है जी। सेक्टर्स जो हैं वो हो सकते हैं या आप नए बना भी सकते हो, ठीक है। ग्रुपिंग आप भी दे सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आई कैन ग्रुप यू गाइस कि किस किस ने जीन्स पहनी है, वो एक ग्रुप हो गया, इरिस्पेक्टिव उसमें मेल फीमेल जेंडर कुछ कुछ नहीं होगा, राइट। सो यू कैन ऑल्सो क्रिएट योर ग्रुपिंग, बी क्रिएटिव, बी इमेजिनेटिव, बी वट एवर यू वॉन्ट। क्वेश्चन रिपीट करना एक बार, क्या है? Elucidate according to you the top three priority sectors in India that should handle the triple planetary crisis। समझ में आ रहा है सवाल? ज्यादा तो नहीं घूमा हुआ? हाँ, ये सिंपल है। ये भी यूपीएससी की ट्रिक रहती है। जैसे लास्ट वाला जो क्वेश्चन था, डिस्कस द इंपैक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, कितना सिंपल लग रहा है देखने में, लिखते वक्त आपको पता लगा होगा, है ना, उठते उठते कदम रह गए हैं,
पेन नहीं चला होगा स्टार्टिंग में, तो कितने स्ट्रक्चर्स बनाए होंगे? लेट मी गेस, एटलीस्ट थ्री, कम से कम तीन स्ट्रक्चर्स दिमाग में आए होंगे कि यार ये ऐसे भी किया जा सकता है, ये ऐसे भी किया जा सकता है, ये ऐसे भी किया जा सकता है, राइट? ये सवाल सुनने में बहुत मुश्किल है क्योंकि पहला वर्ड ही ऐसा बोल दिया जो आप आम भाषा में इस्तेमाल नहीं करते हो, है ना? आपको इसको ऑफ थ्रोइंग बोलते हैं कि मैं ऐसी सी कोई बात बोल दूं कि जो आपने सुनी नहीं हुई, तो अनफेमिलियर टेरिटरी लगती है ये, पर है ये वही बात है, सेम लाश है, दूसरे कब्रिस्तान में दफन है, ठीक है, समझ रहे हो? ये एक शेर से लिए बाय द वे लाइन, ये लाश वही है उसका कब्रिस्तान बदलता है, शेर नया है लेकिन सारी बात पुरानी है, लाश वही है उसका कब्रिस्तान बदलता है, वही ऋग्वेद में लिखा है, वही बुल्ले शाह ने लिखा है, वही सेम बातें, बस लैंग्वेज बदल जाती है, सेम ही बातें हैं, है ना? वैसा सही है, तो आप घबराना नहीं है इस टाइप का वर्ड देख के, पहले स्टूडेंट्स को होता था, स्टूडेंट्स वीडियोज बहुत देखते थे फिर इस पर कि एलुसिडेट का मतलब क्या है, ऐसे ऐसे का मतलब क्या है, ऐसे आया है ना, कितने 250 मार्क्स का होता है वो, है ना, 125 मार्क्स के दो ऐसे लिखने, 125 125, ऐसे लिखने बैठे हुए हैं, कभी दिमाग में ही नहीं आया किसी के कि यार ऐसे नाम तो सर्च कर लें, ऐसे की मतलब पता है ऐसे का क्या है? टू प्रेजेंट अ केस, बस एक केस प्रेजेंट करना है आपने, बस और कुछ नहीं है वो, इमीडिएटली व्हेन यू अंडरस्टैंड कि ओ यार अच्छा, टू प्रेजेंट अ केस, केस ही तो प्रेजेंट करना है, आप केस कैसे प्रेजेंट करोगे कि आपकी बात सामने वाला बंदा मान जाए जो भी आप कह रहे हो, इमीडिएटली आपका सारा ऐसे लिखने का तरीका बदल जाएगा, इमीडिएटली स्कोर इंक्रीज हो जाता है, सो बेसिक रहना, ज़्यादा ज़्यादा कुछ है नहीं है इसमें, चलें बच्चे आगे। बिहार के पास में सेकंड टाइगर रिजर्व मिल गया उनको, झापी के लिए लगाई थी मैंने, ब्रेक मिल जाएगी आपको, है ना? लेट अस कॉल दिस द ओ मोमेंट ऑफ द क्लास, लेट अस नेम दिस टाइगर कब एज कैमूर, राइट? बिकॉज इट इज इन द कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है जी? टाइगर का नाम कैमूर है, पहचान लो इनको, ओ नहीं नहीं मैंने रखा है ताकि तुम्हें याद रहे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम है कि बिहार में तुम रहन, तो बलविंदर रख देते हैं इसका, कैमूर अगर हजम नहीं हो रहा है तो, वो तो इसलिए कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना, आपको याद ट्रिक्स हैं, ठीक है, रहन तो बलविंदर को मत देखो सारे हो, आ जाओ बच्चे, लेट्स सी, सो इट्स द सेकंड टाइगर रिजर्व, राइट? इससे पहले जिस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर है ये, राइट, दैट इज द लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ बिहार, ठीक है बच्चे? सेकंड है तो वो फर्स्ट पूछ सकते हैं आपसे, राइट? फर्स्ट मैंने यहां पे मेंशन कर दिया, इट इज द वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, जो कि बिहार का पहला टाइगर रिजर्व था। टाइगर रिजर्व्स को कौन मॉनिटर करता है? 36 दफा कर चुके हैं हम, बलविंदर खा देगा तुम्हें बढ़ाओ के, मैं बता रहा हूं, मेरे साथ ऐसे मत करो तुम लोग। अरे यार NTCA, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, कितनी बार किया हुआ है हमने, इसकी बच्चे एक बारी लोकेशन देखिए आप, फर्स्ट पॉइंट के अंदर रोहतास फॉरेस्ट डिवीजन इन द ग्रेट कैमूर रेंज, इन द रोहतास डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, ठीक है बच्चे? यहीं पे ना बच्चे एरो डाल के लिख लो आप, लोकेटेड इन, ऐसे कर लो इसको, रोहतास प्लेटू, दो प्लेटू के बीच में है ये, दो प्लेटू कवर करता है ये, रोहतास प्लेटू एंड कैमूर प्लेटू, हिल रेंज के बिल्कुल उसके नीचे ही आपका प्लेटू है उधर, राइट? तो वहां पे है ये रोहतास प्लेटू और कैमूर प्लेटू, और ये साउथ वेस्टर्न बिहार में है, जैसे कुछ ऐसा सा मैप है बिहार का, राइट? तो इस एरिया में है, ठीक है बच्चे? और वाल्मीकि जो टाइगर रिजर्व है वो इस एरिया में है,
हाँ वो नॉर्थ वेस्टर्न में है और ये आपका साउथ वेस्टर्न के अंदर है। नहीं नहीं ये दो अलग अलग हैं, प्लेटू इधर है, ये रेंज इस तरफ है आपकी, वो बिहार है पूरा। सेकेंड वाला बच्चे इसलिए बनाया गया क्योंकि पहले वाले पे लोड ज़्यादा हो गया था, एज सिंपल एज दैट, राइट। और ये जो पूरा एरिया है बिहार का, ये आपको पता है ये टाइगर रेंज एरियाज में आता है ना, नेपाल और इंडिया के बीच में। और यहाँ पे एक और एनिमल फ्रीली घूमता है, कौन सा हमने किया था लास्ट टाइम? नीलगाय। नीलगाय भी है और जो हमने पढ़ा था क्लास में एलिफेंट, एलिफेंट कॉरिडोर्स भी आपको यहीं देखने को मिलते हैं, राइट। मतलब मेरे पास ऑप्शन था कि या तो मैं बलविंदर की फोटो लगा सकता था, राइट, या फिर मैं मैप लगा सकता था, मुझे ये ज़्यादा क्यूट लगा, है ना। नहीं नहीं अब एक बारी मैप देखना खुद से, कारण है वो ना लगाने का। उसमें आपको और भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज दिखेंगी और भी नेशनल पार्क्स दिखेंगे, राइट, है ना। प्लीज़ ये एक्टिविटी करनी है बच्चों ने, एक बारी देख लेना, है ना। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ऑफ बिहार करोगे आप सर्च करोगे तो जो स्टेट टूरिज्म की वेबसाइट्स होती है ना, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे मैप्स लगाए होते हैं वहाँ पे, इंक्लूडिंग कि उस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एनिमल कौन सा है, उसकी फोटो लगा देते हैं वो थंबनेल जितना छोटा छोटा, राइट। तो आपको एक आइडिया मिल जाता है कि अच्छा कि यहाँ पे ये पर्टिकुलर स्पीशीज़ हैं, यहाँ पे टाइगर है और बैम्बू ब्रेक्स हैं, बैम्बू ब्रेक्स BRAKES, ऐसा जंगल जो कि बहुत डेंस है जहाँ पे मेनली बैम्बू उगता है ना, उसको बैम्बू ब्रेक्स कहा जाता है। तो आपको सारी चीज़ें वहाँ पे क्लियर हो जाती हैं। आइए बच्चे, इसके अलावा जो थर्ड लास्ट पॉइंट है बच्चे पेज नंबर 6 पे, हैव अ लुक एट दैट, हैबिटेट्स ऑफर्ड बाय डीप वैलीज, जिसको लोकली खोराज कहा जाता है, अगेन टर्मिनोलॉजी यूपीएससी पूछता है, एंड हाई हिल्स लोकली नोन एज बल्लाज या बालाज, जो भी, डॉन्टेड विद रिवर्स एंड नालाज हैविंग वाटर ऑल ईयर राउंड, ठीक है। ये गंगा का ही वाटरशेड एरिया पड़ता है ये सारा, है ना, तो इसलिए ईयर अराउंड आपको इसमें वाटर जो है वो देखने को मिलता है। लिख लो यहीं पे साइड पे एरो डाल के, फॉर्म्स अ वाटर डिवाइड, ऑफ टू मेजर रिवर्स, ये इजी है, सोन टू द साउथ, सोन रिवर, SON, सोन टू द साउथ, तमसा TAMSA, तमसा, इसका एक और नाम है तमसा का, टोन्स या टन्स TONS, मैं मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता है, टोन्स ही बोलते, TONS, ऑन द नॉर्थ, ऑल्सो फीचर्स, है ना। यहां से सवाल बनेगा अगर यूपीएससी पूछेगा तो वो इधर से कोई ना कोई ऑप्शन आएगा आपको। पहले वाटरफॉल्स लिख लेते हैं, वाटरफॉल्स कौन कौन से हैं, नंबर वन वाटरफॉल्स करकट KARKAT, बच्चे ऐसे यहां पे आप क्या लिखा है हमने लास्ट में भी, उससे पहले क्या लिखा है, और उससे पहले क्या लिखा है, ऑल्सो फीचर्स, है ना, आपने लिख लिया ऑल्सो फीचर्स, है ना, और उसमें आप नंबर वन इज वाटरफॉल्स, कौन कौन से वाटरफॉल है उसकी लिस्ट बनाएंगे, देन वील सी डैम्स कौन से हैं यहाँ पे, है ना, ये दो लिस्ट बनाने वाले हम, तो इस तरीके से करना है। नंबर वन वाटरफॉल्स करकट, मंझार कुंड MANJHAR, मंझार कुंड, धुआं कुंड DHUA, धुआं कुंड, तुतला भवानी TUTLA,
BHAWANI, ये वाटरफॉल है, तुतला भवानी वाटरफॉल। गीता घाट GETA GHAT, कशिश वाटरफॉल, एंड तिलार TELHAR। ठीक है, ये सारे वाटरफॉल्स हैं। मतलब इस पे आप ब्राउनी पॉइंट जो है आप स्कोर कर सकते हो, अगर आपको थोड़ा समझ में आ रहा है तो। इन द सेंस कि मान लो इसके ऊपर कोई सोल्यूशन देने को आ गया या कोई भी बात आ गई, तो आप सीधा अगर एग्जैक्टली कोई भी एक वाटरफॉल का नाम लेके मेंशन कर दोगे ना कि एनहेंसिंग द टूरिज्म पोटेंशियल ऑफ तुतला भवानी वाटरफॉल फॉर एग्जाम्पल, है ना, तो आपके मार्क्स थोड़े अच्छे आ जाते हैं कि आपको पता है अंदर क्या चल रहा है। और प्री में तो खैर कुछ भी आ सकता है, मैच में आ सकता है कि आपको रीजन मैच करने को बोल देंगे, पूछ लेंगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पेयर्ड करेक्टली, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग इज पेयर्ड करेक्टली, तो वहां पे ये सब काम में आता है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट इज डैम्स स्लैश लेक्स। डैम स्लैश लेक्स क्यों लिख रहे हैं हम? हाँ, जब डैम बनता है वहां लेक बनती है ना। अनुपम, अनुपम लेक, करमचट, KARAMCHAT, करमचट डैम। कोहिरा, KOHIRA, हाँ ये डैम है कोहिरा डैम। रामेश्वर कुंड, रामेश्वर कुंड रामेश्वरम में नहीं है, ठीक है जी, रामेश्वर कुंड। अच्छा, इसके बाद में अगर आप पॉइंट्स में देखोगे तो यहाँ पे रोहतासगढ़ फोर्ट, ठीक है, और शेरगढ़ फोर्ट, वो भी इन्हीं फॉरेस्ट के अंदर लोकेटेड है। दैट मींस कि इस लोकेशन की कल्चरल सिग्निफिकेंस भी है, राइट। और इमीडिएटली उसके नेक्स्ट जो पॉइंट है, इट आल्सो हैज न्यूमरस मेगालिथ्स, रॉक पेंटिंग्स ऑफ प्री हिस्टोरिक एज, प्री हिस्ट्री, जब लैंग्वेज डेवलप नहीं हुई थी, रिकॉर्डेड हिस्ट्री नहीं है, हमें डिसाइफर ही करना पड़ा है, प्री हिस्टोरिक एज, स्टोन इंस्क्रिप्शंस, राइट। यहां पे इसी के साथ में एक और पॉइंट लिख लीजिए आप, मेजर फॉरेस्ट टाइप्स आर, इसी के ऊपर सवाल आएगा। बस हमने डिवाइड देख लिया, वाटर डिवाइड कौन सा है, लेक्स वगैरह देख ली, वाटरफॉल देख लिया, रीजन देख लिया, राइट। अब फॉरेस्ट टाइप देख लेते हैं। मेजर फॉरेस्ट टाइप्स आर ट्रॉपिकल ड्राई मिक्स्ड डेसिडियस, ट्रॉपिकल ड्राई मिक्स्ड डेसिडियस, ड्राई सैल फॉरेस्ट, सैल SAL, ड्राई सैल फॉरेस्ट, बॉसवेलिया फॉरेस्ट, BOSWELLIA, बॉसवेलिया फॉरेस्ट, एंड ड्राई बैम्बू ब्रेक्स, BRAKES। रेनफॉल कहाँ ठीक ठाक होती है वहां पे? और वो उधर है जहां पे फनल बनती है ना इंडिया के पीछे, वहां है जो बहुत, जो आप जो ठीक ठाक कहना चाह रहे हो ना, वो उधर है, इधर नहीं, कम हो जाती है, ग्रेडियंट बनता है इधर को, ग्रेडियंट है आपकी ऑब्जर्वेशन में वो है। हाँ, इन्फर ठीक कर रहे हो, पर क्योंकि ऑब्जर्वेशन में वो आ गया, प्रॉपर
सारा बिहार को एक ही कैटेगरी में डाल दे तो ये यस यहाँ पे रेंज भी है ना, हिल रेंज, यहाँ पे हिल रेंज भी है राइट। और बॉस वैली फॉरेस्ट के बारे में पता किसी को? आप सबने खराब किया हुआ वो पेड़ एक समय पे, सबने वो देखा आपने, वो छोटे छोटे पत्ते होते हैं जिसके जिसको आप एक साथ में सारे पत्ते तोड़ देते हो, लास्ट में डंडी रह जाती है और बिल्कुल छोटे, हाँ वो बॉस वैलिया होता है, देख लिया करो सर्च करके कि क्या करते फिर रहे हो तुम, किसको हाथ लगाया है, करा हुआ ना वो तो इतने, हाँ हाँ तो एक साथ में तुम तोड़ते हो और वो सारे पत्ते छोटे छोटे इधर आ जाते हैं, डंडी यहाँ रह जाती है, पेड़ देखता रहता है कि ठीक है तुम ये कर लो पहले, मैं बाद में ऑक्सीजन बना लेता हूँ, है ना, उसको बॉस वैलिया फॉरेस्ट बोलते हैं। तो वहाँ इसके डेंस फॉरेस्ट है इस रीजन के अंदर। एंड बैम्बू ब्रेक्स लिख लीजिए, बैम्बू ब्रेक्स क्या होता है, अंडरलाइन डाल के और बॉस वैलिया के ऊपर बेचारे डायग्राम बना लो ये वाला। डेंस इकोसिस्टम, डेंस इकोसिस्टम विद मेजॉरिटी ऑफ बैम्बू प्लांट्स। ये लास्ट में आपको एसी का रिमोट चाहिए क्या? एसी का रिमोट चाहिए? अच्छा यहाँ पड़ा हुआ है अगर तुम, मेजर फौना भी लिख लें इसका, हाँ यार लिख लो। और लेट मी गिव यू दी रेड लिस्ट वाला ओनली राइट, जो रेड लिस्ट IUCN रेड लिस्ट वाला लिख लेते हैं बस, जो एंडेंजर्ड है बेसिकली, मेजर फौना ब्रैकेट में लिख लो IUCN रेड लिस्ट। अब क्योंकि टाइगर है यहाँ पे, टाइगर के साथ में एक और बिग कैट होती है, लेपर्ड, लेपर्ड, इंडियन पेंगोलिन, नहीं ये पेंगुइन नहीं है, इंडियन पेंगोलिन, सारे एंडेंजर्ड जो मैं आपको बता रहा हूं बच्चे, पॉर्क्यूपाइन, वाइल्ड डॉग्स एंडेंजर्ड है, वाइल्ड डॉग्स, जैकल, स्लॉथ बियर, और कुछ यहां पे इंडिकेटर स्पीशीज भी पाई जाती हैं। इंडिकेटर स्पीशीज मतलब कि ये स्पीशीज वही होती है जहां का इकोसिस्टम ठीक होता है राइट। लिख लीजिए इंडिकेटर स्पीशीज, क्रेस्टेड ईगल एंड हॉक ईगल, क्रेस्टेड ईगल। अगली बार मैं कोशिश करूंगा इन सब की पिक्चर लेके आऊं यहाँ पे, है ना, थोड़ा आपको देख के मजा आएगा। बलविंदर को हटाएंगे इसको दूर करेंगे हम, ये नहीं होएगा यहाँ पे अगली बार। क्रेस्टेड ईगल एंड हॉक ईगल, ये बाय द वे ये स्पीशीज जहाँ पे भी होती है ना तो इसका एक इंडिकेटर होती है ये कि यहाँ पे इकोसिस्टम हेल्दी है राइट। तो अगर आपको स्टडी करनी होती है कि इकोसिस्टम एक्चुअली होना कैसे चाहिए तो यू लुक फॉर दीज स्पीशीज कि ये यहाँ पे है या नहीं। अगर ये वहाँ पे होती हैं इसका मतलब इकोसिस्टम प्रिस्टीन है, अनटच्ड है और आप बाकी कंजर्वेशन को इस लेवल तक लाना चाहते हो फिर राइट। तो ये दो पर्टिकुलर ऐसे होती है। कुछ कुछ प्लांट्स होते हैं जैसे जो एसिड रेन के इंडिकेटर्स होते हैं, एनी एग्जाम्पल फॉर दैट? देर आर एसिड रेन के इंडिकेटर्स होते हैं, देर आर सर्टन प्लांट्स, हाँ मॉसेस और हाँ लाइकन्स, मॉसेस, पी प्लांट। आओ बच्चे अगले टॉपिक, क्रिटिकल मिनरल्स एंड क्लीन एनर्जी समिट। कहाँ पे?
ये कि वो एनवायरनमेंट प्रिस्टीन क्यों है, वो वल्चर्स, मुझे पता तुम कहाँ पे जाना चाह रहे हो, वल्चर है वो, वल्चर ये तो हंट करके खा रही है ना, वल्चर्स खाती हैं डेड एनिमल्स, और वो डेड वो वाले होते हैं जो गांव वगैरह में जो जानवर मरा है और तो उसको कहीं एक पर्टिकुलर जगह पे, जैसे रोपड़ के रास्ते में आता है एक जगह आती है ना, वहाँ पे आपको बहुत सारी वल्चर्स देखने को मिलती है, तो वो दैट इज़ पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे आसपास जितने भी गाँव हैं वहाँ पे कोई भी अगर आपकी कैटल मरती है तो वहाँ पे छोड़ के चले जाते हैं, राइट, और वहाँ पे वल्चर्स ही वल्चर्स देखने को मिलती हैं, वो डेक्लोफिनेक वाली वहाँ पे प्रॉब्लम आती है। हाँ आइए बच्चे, तो अभी एक पेरिस में एक समिट हुआ था आपका इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का, बाय द वे इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी वो है जो मेजर ऑयल इंपोर्टिंग कंट्रीज हैं और जो OECD कंट्रीज के मेंबर्स हैं वही इनके मेंबर्स होते हैं, इनकी प्री कंडीशन होती है कि जो OECD का मेंबर है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनर्जी कोऑपरेशन एंड, नहीं पता, OECD कंट्रीज जो होती हैं जो उनके मेंबर होते हैं वही इनके मेंबर बनते हैं, तो उनका एक समिट हुआ है, राइट, और उन्होंने 6 मेन एक्शंस जो एक्शन प्लान है उसको अप्रूवल दी है ना, अगेन थोड़ा सिमिलर सा टॉपिक है पिछले वाले जैसे ही। क्रिटिकल मिनरल्स क्या होते हैं, नहीं एग्जाम मैंने नहीं बोला, व्हाट आर एग्जांपल्स ऑफ क्रिटिकल, व्हाट आर क्रिटिकल मिनरल्स, अभी जितनी भी हम ट्रांजिशन की बात कर रहे हैं, एनर्जी ट्रांजिशन की बात कर रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो एनर्जी ट्रांजिशन के अंदर जो मिनरल्स हमें चाहिए होते हैं बच्चे उनको क्रिटिकल मिनरल्स कहा जाता है, दीज आर दी मिनरल्स जिनके ऊपर एनर्जी ट्रांजिशन डिपेंडेंट है। फॉर एग्जाम्पल आज से कुछ साल पहले तक हमें लिथियम की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं थी, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं थी, तो यूरेनियम और लिथियम हमारे लिए काम की चीज़ नहीं थी, अब क्योंकि हमने मन बना लिया है कि हमने एनर्जी ट्रांजिशन करनी है, हमने उधर को जाना है, नाउ जो जो मिनरल्स इन चीज़ों के लिए चाहिए वो उनको क्रिटिकल मिनरल्स कहा जाता है, लिख लो, आई वॉज अंडर दी एजम्पशन की ये शायद टर्म पता होगी, लिखिए, मजेदार चीज़ है ये, क्रिटिकल मिनरल्स आर दी मिनरल्स एसेंशियल फॉर एनर्जी ट्रांजिशन, इंटरेस्टिंग है ना टॉपिक, वन टू थ्री करके टॉपिक्स आगे जो है 1, 2, 3 करके डाल देना वहां पे। नंबर 1 लिथियम निकल कोबाल्ट ये एग्जांपल से आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा, लिथियम निकल कोबाल्ट मैंगनीज एंड ग्रेफाइट आर क्रूशियल टू, किसके क्रूशियल हैं ये, क्या लग रहा है देख के पता लग रहा है, किस किसको बनाने के काम आता है ये, बैटरी, क्रूशियल टू बैटरी परफॉर्मेंस, बच्चे ये भी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स आर रिलेटेड टू बैटरी परफॉर्मेंस, है ना, तो ये वाले वो मिनरल्स हैं जो चाहिए होते हैं वहां पे। हाँ जी बच्चे, लिथियम निकल कोबाल्ट मैंगनीज एंड ग्रेफाइट, सेकंड रेयर अर्थ एलिमेंट्स, आर एसेंशियल फॉर, ये नहीं आपको पता होगा है ना, वो दूसरा है, रेयर अर्थ नहीं है, हाँ उस तरफ हो जाएगी ये बात, परमानेंट मैग्नेट्स के अंदर काम आता है ये, ईवीज का फंडा है ये, वो जो आप चिप्स वगैरह की बात कर रहे हैं वो सिलिकॉन है, बाकी मैं एक बारी देख लेता हूँ कन्फर्म, रेयर अर्थ में आता है, श्योर, रेयर अर्थ एलिमेंट्स आर एसेंशियल फॉर परमानेंट मैग्नेट्स, और परमानेंट मैग्नेट्स में एसेंशियल है तो इसका मतलब कहां पे एसेंशियल हुआ, विंड टर्बाइन्स और आपकी ईवी मोटर्स, बैटरी के अंदर जो मैंने पहले लिखवाए हैं वो, अब बैटरी जब आपके टायर में ट्रांसमिशन होगी तो वहां पे ये वाले,
विंड टर्बाइंस के अंदर या बाकी कहीं पे भी जहां पे भी टर्बाइन या परमानेंट मैग्नेट है वहां पे रेयर अर्थ एलिमेंट्स। लास्ट इज एल्यूमिनियम एंड कॉपर, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है, एल्यूमिनियम एंड कॉपर्स यूज्ड इन इलेक्ट्रिसिटी नेटवर्क्स, तारें। नेटवर्क्स, इलेक्ट्रिसिटी नेटवर्क्स। ये जब इसके इस समिट को मैं पूरा पढ़ रहा था, इनकी वर्डिंग्स जो मेरे को समझ में आई हैं वो बहुत आसान भाषा में अगर मैं आपको बताऊं तो वो ये कह रहे हैं, भाई अगर तुम्हें कुछ पता लग गया ना सबको बता देना, एज सिंपल एज दैट। इनकी सारी बात ही यहाँ पे आके खत्म हो रही है कि इफ़ यू हैव एनी नॉलेज कि कहाँ मिनरल मिल रहा है, कोई मिनरल कैसे काम कर रहा है, इफ़ यू सी द थर्ड वाला अगर आप पॉइंट देखेंगे, फॉस्टरिंग मार्केट ट्रांसपेरेंसी, पहला पॉइंट देखेंगे डाइवर्सिफाइड मिनरल सप्लाईज, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे मैक्सिमाइजिंग द पोटेंशियल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड रिसाइकलिंग, इस तरफ का है। पर मेन मुद्दा इनका यही है कि यार अगर तेरे को पता लग गया ना कहीं मेरे को जरूर बता दियो, देख तू भी IEA का है, मैं भी हूँ, हाथ मिला ले, छुपाना नहीं है, समिट पे साइन कर दो, ये मुद्दा है इस पूरे उसका, और ठीक भी है, हमारा भी फायदा है इसमें। आप नीचे वाला पॉइंट देखेंगे उससे स्टेपिंग अप एफर्ट्स टू फॉस्टर इंटरनेशनल कोऑपरेशन, है ना, सेम वहीं पे जा रही है बात। अ कंसेंसस ऑन द पोटेंशियल ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी वॉज एग्रीड टू रिड्यूस एनर्जी एंड वाटर रिक्वायरमेंट्स इन एक्सट्रैक्शन एंड प्रोसेसिंग, है ना, एक्सट्रैक्शन को ऑप्टिमाइज करने की बात कर रहे हैं, माइनिंग इट बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट के लिए डिग्रेडेशन वाला काम करता है, डिग्रेड कर देता है एनवायरनमेंट को। ओवरऑल कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस, इसलिए इट विल ऑलवेज बी देयर, यही डिबेट है। UPSC इन तीनों के सेंटर पे क्वेश्चन पूछेगा आपसे, यू कैन नेवर बी एंटी डेवलपमेंटल अगर आप सोल्यूशन भी दे रहे हो, फिर भी हमारे आर्टिकल्स में DPSP से ऊपर फंडामेंटल राइट्स हैं, स्टिल यू विल कीप फंडामेंटल राइट्स अबव, आपका आर्टिकल 17, 18, 23 ये ऊपर रहेगा, 21 DPSP वो आपको आर्टिकल उसके अंदर भी बाद में है, राइट, बट स्टिल आप अगर सॉल्यूशन भी प्रेजेंट करोगे तो आप ऐसे बात करोगे कि रिलोकेशन को प्रॉपर होना चाहिए, कंपनसेशन एप्ट होनी चाहिए, आप उस एंगल पे जाओगे, डेवलपमेंट रोकने वाली चंद्रयान की फंडिंग मत रुकवा देना अपने आंसर्स में, ठीक है, कि चंद्रयान की फंडिंग रोक के खाना पहुँचा दो कहीं पर, ना 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 ऐसा नहीं होगा। एक समय पे सैटेलाइट्स को स्पेस में भेजना भी फालतू खर्चा माना जा रहा था, लेकिन अब आपका आपको पता है कि चलो PDS ही मान लेते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, वो भी एफिशिएंट इसलिए हो पा रहा है क्योंकि सैटेलाइट ऊपर है और आपका करोड़ों रुपये बचता है, बेनिफिशरीज को कैसे पहुंचाना है, एफिशिएंट सिस्टम्स, टन्स में पेपर बचता है आपका, राइट। तो टेक्नोलॉजी मे साउंड एक्सपेंसिव राइट नाउ, बट इवेंचुअली जब उसका यूज करने पे आप आते हो वो एफिशिएंट आपको रिजल्ट्स देती है, ठीक है। क्या बात बोल रहे थे बताओ, मुझसे बात करो, इस क्लास का राजा मैं हूँ फिलहाल, हाँ। समझ में आ गया, बोलो बोलो दोबारा बोलो, कुछ होगा इसमें फंसा, अरमान तेरी शक्ल कुछ और बता रही है यार, चलो कोई बात नहीं, कोई आता है मन में डाउट पूछा करो, डाउट इज दी वहां पे जहां पे आप एक्चुअली लर्निंग आपकी लाया करती है, डाउट आपका तब आता है जब आप अपनी आपकी नॉलेज की बाउंड्री हिट कर जाते हो, अब या तो इसके बाद में मनगढ़ंत बात सोचोगे या अगर समझदार होगे तो पूछ लोगे, है ना, आप बाउंड्री पे आ जाते हो, जैसे छोटा बच्चा करता है ना कि वो प्लग में, आप कहते हैं प्लग में उंगली नहीं डाली, नहीं उससे क्या होगा, उसको एक्चुअली नहीं पता,
है ना, तो वो आपसे सवाल पूछ लेता है, दैट्स व्हाई दे आस्क लॉट ऑफ क्वेश्चंस, फिर धीरे धीरे टेंडेंसी खत्म हो जाती है, लेकिन उसकी लर्निंग वही है, जैसे ही आप बाउंड्री हिट करते हो नॉलेज की, उसके बाद में आके आपको फिर और क्वेश्चंस उठते हैं कि अब क्या करना है, तभी एक उम्र के बाद लोग गुरुद्वारे और मंदिर जाना बढ़ा देते हैं, क्योंकि उनका बाकी सब उनका हो जाता है, अब वो इस तरफ को हो जाते हैं कि यार ये हमारी नॉलेज की बाउंड्री है अब नहीं, है ना। और हम भी यही ट्राई कर रहे हैं यहाँ पे कि आपको नॉलेज की बाउंड्री जो एक्चुअली एग्जिस्ट करती है वहां तक ले जाएं, उसके पार यूपीएससी अगर कुछ पूछेगा तो वो सबके लिए नया होगा, राइट। बच्चे इसके अंदर ना मैंने आपकी जिंदगी आसान करी है, नीचे स्पेशल नोट, अगर मिनरल के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आता है, और यूपीएससी हर साल एक पूछती ही पूछती है, तो यूपीएससी ने अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2023 जुलाई के अंदर एक लिस्ट रिलीज करी है आपके 30 क्रिटिकल मिनरल्स फॉर इंडिया। तो अगर आप ये 30 मिनरल्स जो हैं आप कवर कर लेते हो, इसके बाहर सवाल नहीं आएगा, गारंटीड, ठीक है जी। एक केवीएट है इसके अंदर भी, 30 क्रिटिकल मिनरल्स की लिस्ट दी हुई है, 30 से ज्यादा है, ये G20 वाला मसला है इधर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लेट मी टेल यू, PGE लिखा हुआ है यहां पे, है ना, PGE का मतलब होता है प्लेटिनम ग्रुप एलिमेंट्स, तो मतलब ये 30 से ज्यादा है, तो एक तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है, ये पूछेंगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट, या पूछेंगे इज नॉट अ पार्ट करके कुछ डाल देंगे, पर ये 30 से ज्यादा है। PGE इज प्लेटिनम ग्रुप एलिमेंट्स, क्या कौन से हैं वो, प्लेटिनम, पैलेडियम, रोडियम, आरई इज रेयर अर्थ एलिमेंट्स, सेट ऑफ 17 एलिमेंट्स, ठीक है, मारो नजर मार लो इसके ऊपर, लिख लो PGE, लिख लो प्लेटिनम ग्रुप एलिमेंट्स, यार मैं आपको पूरा ही आसान कर देता हूं, मुझे याद रहने चाहिए और याद होने चाहिए बस, प्लेटिनम, पैलेडियम, PGE इज प्लेटिनम ग्रुप एलिमेंट्स, प्लेटिनम, पैलेडियम, रोडियम, RHO, रोडियम, ऑस्मियम, रूथीनियम, RUTHENIUM, ऑस्मियम भी है, रूथीनियम, इरिडियम बोल दिया, इरिडियम, RIRIDIUM, कितने हो गए, अरे छह ही तो है, ठीक है, छह ही हैं, PGEs बोलते हैं इनको, प्लेटिनम ग्रुप एलिमेंट्स होते हैं ये, ठीक है बच्चे, ये भी पूछा जा सकता है आपसे, और ये इसके ऊपर सवाल बनाना इजी है, विच वन, हाँ नॉट नोट करके पूछ लेंगे, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ PGE प्लेटिनम ग्रुप एलिमेंट्स, कौन नहीं है, कौन है, इस टाइप का सवाल इसके ऊपर बन सकता है। बाय द वे बच्चे वो एक बार ही ना, चलो पहले इसको खत्म करते हैं, वो क्वेश्चन तो मैं आपको दे के जाऊंगा, क्योंकि वो वर्ल्ड में देर आर अराउंड आई थिंक 12 और 13 आइडेंटिफाइड टाइगर स्पीशीज, जिसमें से 3 एक्सटिंक्ट हो गई हैं, राइट, तो कितना बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है इसके ऊपर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सटिंक्ट स्पीशीज ऑफ टाइगर, राइट, तो मैं आपको वो सारी ही बता दूंगा, और 3 एक्सटिंक्ट को अलग से लिख लेना कि कौन कौन सी एक्सटिंक्ट है, तीन अगर ऑप्शन में आ जाता तो बहुत ईजी है इसके ऊपर क्वेश्चन बनना, और टफ होगा अगर आया तो, ठीक है बच्चे, ये अपने लेवल पे आपने करना है। आ जाओ बच्चे एक बारी देखना, फिर से जरा 6वें टॉपिक पे आओ, एट सब स्पीशीज हैं, अरे फिर से आ गया, देर आर एट सब स्पीशीज ऑफ टाइगर, देर आर एट सब स्पीशीज ऑफ टाइगर, आउट ऑफ विच 3 आर एक्सटिंक्ट। अब आप मुझे बताओ मैं 8 लिखवाऊं या 3 लिखवाऊं, सारी तो जिस तो आप 3 लिख लो, पहले जिंदा वाली लिख लेते हैं, बंगाल, बंगाल टाइगर्स, बंगाल, कैस्पियन,
बंगाल कॉमा कैस्पियन, अरे कैस्पियन एक्सटिंक्ट है यार, आई एम सॉरी कैस्पियन मत लिखो भी, एक्सटिंक्ट बाद में लिख लेते हैं, अमूर, अमूर टाइगर्स, AMUR, बंगाल टाइगर्स, अमूर टाइगर्स, ये रिवर है, अमूर रिवर है, और ये रशिया चाइना वाले रीजन की बात हो रही है. देन वी हैव साउथ चाइना, सुमात्रन, वो दो अलग अलग वो ना राइनोज में भी ऐसे ही है, उनका राइनोज की भी सब स्पीशीज डिवाइड हो गया उधर, सुमात्रन राइनो, जावन राइनो, आई एम फॉरगेटिंग कि एक एक्सटिंक्ट है एक बचा हुआ है, आई थिंक जावन एक्सटिंक्ट है, सुमात्रन इसमें सुमात्रन लिखा है ना, भैया हाँ जावन एक्सटिंक्ट है, सेम विद दैट राइनो ऑल्सो. एंड लास्ट इज इंडो चाइनीज, ऐसी होती है यूपीएससी की तैयारी, बस राइनोज एक दिन निपटा दिए, हाथी एक दिन निपटा दिए, टाइगर आज निपटा दिए, डन, ठीक है, इन्हीं के ऊपर आएगा. अब तीन एक्सटिंक्ट लिख लेते हैं, कितने हो गए ये, पांच है, ठीक है बच्चे, तीन, जो तीन एक्सटिंक्ट है उनकी लिस्ट थोड़ी बढ़िया सी बना लेना. कैस्पियन टाइगर, कैस्पियन टाइगर ये आपका वेस्ट एशिया टर्की वाले रीजन का जो पाया जाता था, कैस्पियन, जावन, जावा कहां पे, कौन सी, हाँ इंडोनेशिया, जावन टाइगर इंडोनेशिया, इंडोनेशिया में और है बाली, बाली टाइगर, ठीक है, ये एक्सटिंक्ट है. समझ में आ रहा है कैसे सवाल बनेगा इसके ऊपर, और वो मिनरल्स वाला भी इंपॉर्टेंट है, हल्के में मत लेना उसको. टॉयलेट यूज इन इंडिया, स्वच्छ भारत के बाद में हमने ODF ओपन डेफिकेशन फ्री है ना सिटीज एंड रूरल एरियाज बनाने की कोशिश करी और बहुत काफी हद तक सक्सेसफुल भी रहे. बाय द वे दिस इज नॉट अ रिपोर्ट, इट्स अ डिपार्टमेंटल वर्किंग पेपर, तो आपको रिपोर्ट के तौर पे इसको याद करने की जरूरत नहीं है, मतलब इट्स नॉट द टाइटल ऑफ अ रिपोर्ट, इट इज अ स्टेटमेंट, टॉयलेट यूज इन इंडिया है ना, और वर्ल्ड बैंक ने इसके ऊपर कमेंट किया है, सो इट्स नॉट अ रिपोर्ट. सो बेसिकली इन्होंने SBMG स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण है ना रूरल राइट उसके ऊपर एक रिपोर्ट डाली है. इन्होंने बहुत अगर सिंपल में बताऊं, उन्होंने बोला है कि एक समय पे टॉयलेट्स का एक्सेस नहीं था, एक्सेस बढ़ा, यूज बढ़ा राइट, और जो SC ST और जो पिछड़ी हुई पॉपुलेशन थी वो उसकी यूजेज जनरल कैटेगरी के बराबर आ गई, लेकिन अब फिर से यूजेज डिक्लाइन हो रहा है, एक्सेस है लेकिन यूजेज नहीं है राइट. तो ये रिपोर्ट ये चीज हाईलाइट कर रही है. आइए बच्चे फर्स्ट पॉइंट देखेंगे, इंक्रीज इन एक्सेस टू ओन्ड और शेयर्ड है ना जो इसका है वो इट इंप्रूव्ड इन रूरल इंडिया. ठीक है बच्चे, द नंबर ऑफ टॉयलेट्स इंक्रीज फ्रॉम 38% इन 2012 था आज से 10 साल पहले, रियलाइज करो इस बात को, 62% घरों में वॉशरूम था ही नहीं, यूज की बात बहुत बाद में है. ठीक हाँ 62 ही हुआ ना राइट, इन 2012 देन इट इंक्रीज टू 90% इन 2019-20 राइट. ये आपका स्वच्छ भारत का डेटा है वैसे, और लास्ट टू इयर्स में ये मैक्सिमम इंक्रीज आया है, तो उस समय पे फोकस हुआ होगा इसके ऊपर राइट, और आप लोगों को भी दिखा होगा इस समय पे स्ट्रीट प्लेस वगैरह भी बढ़ गए थे रूरल एरियाज के अंदर,
एक हमारे यहीं की मैम, फॉरगेटिंग द नेम ऑफ द मैम, बट वो यहीं की आईएएस ऑफिसर थी, यहाँ से पढ़े हुए हैं इन्हीं बेंचेस पे बैठ के, और उसके बाद में टू उनको जाके समझाना था स्वच्छ भारत इसके ऊपर की टॉयलेट क्यों आपने बाहर नहीं जाना है, क्यों आपने घर पे यूज़ करना है। तो उन्होंने ऐसे प्ले डिज़ाइन किया था, जो अवार्ड भी मिला था उनको बाद में। उन्होंने ऐसे एक करेक्टर दिखाया मक्खी वाला, एंड द मक्खी फ्लू हेयर एंड देयर। तो कोई बंदा खाना खा रहा था, पहले इट सैट ऑन डंग ह्यूमन फीसिस, देन वो मक्खी आके उनकी प्लेट में बैठ जाती है और वो खाना खा रहे और वो बीमार, मतलब ऐसे स्ट्रीट प्ले से डिज़ाइन किया था, राइट। तो उस समय पे ये पीक पे चल रहा था। आप लोगों को भी ये सब करना पड़ेगा, मतलब आपके पास टास्क है, अवेयर करना है जी, और कैसे करना है देख लो भाई, इसीलिए तो तुम्हें पैसे मिल रहे हैं। ऐसी थोड़ी आपको गनमैन दिए हुए हैं, सलूट खाते फिर रहे हो सिविल कपड़े में। दो तीन जॉब्स ही हैं इंडिया में जिसमें सिविल वर्दी को सलूट है, बहुत ज़्यादा ज़्यादा उसमें है नहीं है, बाकी जगह नहीं है। एक IDAS ऑफिसर्स, इंडियन डिफेंस अकाउंट्स, इंडियन डिफेंस एस्टेट सर्विसेज, और आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज टॉप लेवल पे बस। जो इससे मोटिवेट हो रहा है इससे हो जाए, है ना, जिसको सलूट चाहिए वो ऐसे मोटिवेट हो जाए, पर शॉर्ट लिव्ड मोटिवेशन होती है, ये ट्रू नहीं है, ये आपकी ईगो को सलूट बज रहा है, तो ईगो तो आपको अल्टीमेटली ख़राब ही करेगी। मोटिवेशन शुड बी ट्रू, तो सस्टेनेबल होती है वो, राइट। तो अगर कोई है ऐसे मोटिवेटेड तो थोड़ा सा कीप अ चेक ऑन दैट, ढल जाती है ये वाली चीज़, ज़्यादा ज़्यादा कोई तगड़ी चीज़ नहीं है ये। आइए बच्चे देखते हैं इसको थोड़ा सा और आगे। इसका जो की फाइंडिंग में जो लास्ट पॉइंट है ना बच्चे, एक बार आप उस पर नजर डालो, द एनुअल इंप्रूवमेंट्स इन रेगुलर टॉयलेट यूज हैड नॉट बीन लीनियर एंड मार्क्स टू डिस्टिंक्ट फेजेस। नहीं, पहले 2019 से पहले का ये 19-20, वही उसी को एनालाइज किया हुआ, 19-20 को एनालाइज किया हुआ बच्चे, वो अभी जहाँ पे आप लेके जाना चाह रहे हो उधर नहीं, वो तो हमने सारा आगे बढ़ा दिया, अब नहीं कोई अभी सेंसस वेंसस भी नहीं किया हमने, उस समय पे होना था, अभी एक अच्छी पिक्चर नहीं दिखाई देगी इसलिए वहाँ नहीं जाएंगे वो। कोई भी आप ऐसे मेजर डेटा देखोगे आपको प्री कोरोना वाले ही मिलेगा। आई डोंट वॉन्ट टू कमेंट। लास्ट पॉइंट देखिए बच्चे आप, स्टेट वाइज परफॉर्मेंस, ये हो सकता है अगर PCS वालों का दिमाग खराब हो जाए, PPSC का फिर जाए, तो वो यहाँ पहुँचेगी, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखिए, सस्टेन्ड डिक्लाइन यूजेज के अंदर, सस्टेन्ड डिक्लाइन उत्तर प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटका एंड हिमाचल प्रदेश। अनइवन डिक्लाइन, कभी बढ़ रहा है कभी कम हो रहा है, झारखंड, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल। एंड देन वी हैव स्टेडी परफॉर्मर्स, वी हैव उड़ीसा, बंगाल, केरला, बिहार, उत्तराखंड, हरियाणा एंड असम, ठीक है। कोई एक एक कैटेगरी याद कर लेना, उससे आपके दो तीन आंसर्स निकल आएंगे। हाँ जी बच्चे, एक्सेस 90% हो गया यूजेज, हाँ वही मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि इसमें कोई पैटर्न नहीं है। अगर आप जैसे बोलना चाहो कि आप मानोगे कि हिमाचल इज 90% रूरल, राइट, हिमाचल का इकोनॉमिक सर्वे ये बोलता है, तो और उसी के अंदर आपको ये ऐसी स्टेट्स भी दिख रही हैं, स्टेडी परफॉर्मेंस, नहीं स्टेडी परफॉर्मेंस का मतलब ये थोड़ी है कि परफॉर्मेंस अच्छी है, यार तुम समझे नहीं बात। तुम कंटिन्यूसली मुझे आंसर सबमिट करो, कंटिन्यूसली तुम्हें 0 नंबर मिल रहा है, आई विल से कि तुम्हारी परफॉर्मेंस बहुत स्टेडी है। हाँ हाँ, समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ, इंडिविजुअल नहीं दिया इसने, इंडिविजुअल आपको साइट पे मिलेगा। सम आर नॉट, किसी की कंसिस्टेंसी है, हाँ देखना पड़ेगा आपको, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की वेबसाइट पे इसका डाटा अवेलेबल है, स्वच्छ भारत मिशन रूरल ग्रामीण जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट उसके अंडर है। आज आपकी क्लास है 5 बजे, सबकी है, ठीक है बच्चे। आई डोंट केयर को हिंदी में क्या बोलते हैं, हाँ नहीं नहीं यार, आई केयर, मैं आपको 10 मिनट पहले छोड़ दूंगा, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं बच्चे, वो देख लेते हैं।
सो टेक्निक इसमें ना एक और पॉइंट भी है, मतलब जो शार्पेस्ट इंक्रीज दिखा था ना, शार्पेस्ट इंक्रीज वॉज इन द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर पॉपुलेशन, बट क्योंकि पुअरेस्ट ऑफ द पुअर पॉपुलेशन है तो वो स्टेडीली मेंटेन नहीं कर सकती. हाँ, यस एग्जैक्टली. अब मैं क्लास में नहीं बोल सकता ये, बस प्रायोरिटीज अलग है उनकी. अगर आपकी प्लेट एक मिनट बचे, अगर आपकी बाकी जरूरतें पूरी नहीं हो रही हैं, आपको पता ही नहीं है कि अगली मील कहाँ से आनी है, तो आपकी प्रायोरिटी नहीं रहेगी कि यार मैं चार दीवारी के बीच में जाऊँ. सी अब नहीं है यूजेज उसमें, बस यही तो डेटा है जो आप बात कर रहे हो ना. आप बात कर रहे हो व्हाट शुड हैव बीन. नहीं हो रहा, यही प्रॉब्लम है बच्चे. आप मेरी बात को समझो. जो आप बात कर रहे हो ना, आपने पॉलिसी बनाई, आपने सब्सिडी देके आपने फ्री में टॉयलेट तक बना दिया, राइट. अब डेटा ये हाईलाइट कर रहा है कि वो यूज नहीं हो रहा. आप मेरे से जो पूछना चाह रहे हो कि अरे तू ये यूज क्यों नहीं कर रहे भाई, मैं बोल रहा हूँ मेरे को नहीं पता अभी ये यूज क्यों नहीं कर रहे, ये क्यों नहीं कर रहे, ये सोशियोलॉजी का पार्ट है, ये साइकोलॉजी का पार्ट है, ये पब्लिक एड वाले देखेंगे, गवर्नेंस वाले देखेंगे. मैं जो आपको बता रहा हूँ कि ये डेटा ये हाईलाइट कर रहा है. आई शुड बी द वन आस्किंग यू द क्वेश्चन. मैं आपको मेंस का सवाल दे सकता हूँ इस पर. अब मेरी बात समझने की कोशिश आ जाए, आपको समझ में आ रही है आपको मैं क्या बोल रहा हूँ. हमेशा ऐसे ही होता है बच्चे कि डेटा ना आपको अलग ही पिक्चर शो करता है, तभी हम डेटा पे रिलाई करते हैं. तभी हमने एक सेपरेट मिनिस्ट्री बनाई हुई है मॉस्पी, जो कि स्टेटिस्टिक्स और पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन को देखती है, क्योंकि डेटा कुछ और बोलता है. आप समझ रहे हो क्या नाम है आपका बच्चे? हाँ गुरुवास. समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ. हमेशा आपको यूपीएससी की तैयारी में तो खासकर आपको यही चीज़ देखने को मिलेगी कि आप सोच कुछ और रहे होते हो, डेटा कुछ और हाईलाइट कर देता है. आपके सामने डेटा ना आपके थॉट के अगेंस्ट खड़ा हो जाता है. इसको बोलते हैं कि दिस इज नॉट इंट्यूटिव. ये इंट्यूटिव नहीं है बात, ये कि जब आपको प्रोवाइड कर दिया, जैसे फॉर एग्जाम्पल ना अभी जैसे आप लोग धीरे धीरे बड़े होंगे ना, तो आपने अपने घर वालों को गाड़ी लेके दे दोगे, समझो इस बात को. और आप कलपते मर जाओगे कि यार आप बस में क्यों जा रहे हो, आपने जलंधर जाना है, बस में क्यों जा रहे हो, आप गाड़ी क्यों नहीं लेके जा रहे हो, आपको वहां भी समझ में नहीं आएगा. तो दैट इज डेटा कि वो ट्रेवल कर रहे हैं तो बस में ही कर रहे हैं, दे आर सेट इन देयर वेज. ड्रास्टिक चेंज है ये उनके लिए, है ना. बब्बर शेर खुले आसमान के नीचे ही जाएगा. यस दैट इज व्हाई वी हैव डेटा, है ना. डेटा और शकीरा दोनों झूठ नहीं बोलती. डेटा झूठ नहीं बोलेगा आपको. डेटा वोंट लाए, डेटा आपको झूठ नहीं कहेगा. इसीलिए हम डेटा पे रिलाई करते हैं बच्चे, ठीक है गुरुवास. बच्चे समझ में आ रहा है. डेटा ऑब्जेक्टिव होता है, डेटा में ऐसे बायस नहीं आते. जैसे उन्होंने इमीडिएटली आपके वाली बात को खारिज कर दिया कि जो आपको लगता है वो उनको नहीं लगता. दैट्स वाई वी नीड डेटा, है ना गुरुवास. समझ में आ रहा है आपको. हाँ साथ रहो मेरे, जो मैं बोल रहा हूँ ना मेरे साथ साथ चलो, थोड़ा आपको मजा आएगा, बेटर समझ में आएगा जो भी हो रहा है यहाँ पे. जैसे इसके ऊपर मेरे को मेरी फीलिंग्स डिपेंड नहीं करेगी दैट हाउ मेनी पीपल इन द क्लास आर वियरिंग ब्लू शर्ट. इसमें मेरी फीलिंग काउंट होती है कि डेटा है सिंपल. मैं सीधा काउंट करूँगा 1 2 3 4 5 6 पीपल आर वियरिंग ब्लू शर्ट. डेटा कितनी पहननी चाहिए थी, क्यों नहीं पहननी चाहिए थी, ये वो नहीं. डेटा ने आपको एक पिक्चर प्रेजेंट कर दिया है. तो ये डेटा वो चीज़ है. यूपीएससी आपको परली तरफ ले जाएगा कि आप बताओ ऐसा हम ठीक कैसे कर सकते हैं. क्या इंसेंटिवाइज कर दें कि जितनी बार आप अंदर जाकर फ्लश करोगे 2 रुपए का सिक्का बाहर आएगा, है ना. है ना रिवर्स पब्लिक टॉयलेट. आइए बच्चे आगे चलते हैं. एक ही तरीके से 2 रुपए का सिक्का बाहर आ सकता है, अगर आप जाने से पहले खा जाओ, है ना. आ जाओ बच्चे. आई रियली सॉरी फॉर दैट जोक, बट वो फिर मेरे दिमाग में आता, मेरे को बाहर हंसी आती. तो यू ऑल्सो स्टिंक विद मी राइट नाउ, ठीक है. आ जाओ बच्चे. कास्ट सर्वे, बिहार का एक कास्ट सर्वे रिलीज हुआ है.
इस क्लास को तो मैं अपने दोस्तों को दिखाने वाला हूँ आज. मेरे पास इसकी रिकॉर्डिंग है, ये तो वो देखने वाले हैं आज. मैंने ये सब इधर को जाना नहीं था, मेरे को जबरदस्ती लेके जाया गया है. बच्चे बिहार का कास्ट सेंसस रिलीज हो गया. बहुत सारी इसके ऊपर पहले भी डिबेट चल रही थी कि कास्ट सेंसस क्यों रिलीज कर रहे हो, डिस्पैरिटी इंक्रीज होती है. अब कास्ट सेंसस ने आपके सामने एक ऐसी पिक्चर रख दी है जो वो बोल रहा है कि बिहार के अंदर जो जनरल पॉपुलेशन है वो 15.5% है. सीधे नीचे नीचे एक बार आप चेक करो, फॉरवर्ड कास्ट जो है, जस्ट टेक दैट पेज नंबर 10 पे देखो बच्चे, एक बार देखो देखो आखिरी टॉपिक है ये. बहुत इंटरेस्टिंग है ये, आज की क्लास तो बहुत मजेदार चल रही है अगर आप रियलाइज कर रहे हो तो. उसी के लिए कर रहे हैं ये, सिग्निफिकेंस में आएगी ये बात. ठीक है, पहले हम देख लेते हैं जो फॉरवर्ड कास्ट हैं जिनको जनरल कैटेगरी भी कहा जाता है बच्चे, तो वहां पे वो बोल रहे हैं कि जनरल कैटेगरी बिहार में 15.5% ही है और जो बिहार की टोटल पॉपुलेशन है वो लगभग 13 करोड़ है, 13 करोड़ 7 लाख. राइट, एससी एसटीज कितने हैं वहां पे बोला, 20% एससीज, 1.6% एसटीज. कहने का मतलब ओबीसीज मेजोरिटी में, और उसके अंदर जो ईबीसीज हैं एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस. सो बेसिकली उनकी रिजर्वेशन की बात हो रही है यहां पे इसके बाद में. दूसरा, पीसीएस पॉइंट ऑफ व्यू से आप ना जरा इसका जो मैंने आपको टेबल बना के दिया है, टेबल दिख रहा है वहां पे, हाँ, इसको आप इसी फॉर्मेट में आप याद कर लेना कि मैक्सिमम कौन सी है, मिनिमम वहां पे कौन सी है. राइट, माइनॉरिटीज के ऊपर भी बीच में डेटा है. राइट, और यहां पे अगर आप फर्स्ट बुलेट पॉइंट देखेंगे बच्चे, वहां पे गिवन है द फाइंडिंग्स आर सपोज टू हैव वाइडर कॉनोटेशंस इन द स्टेट एंड नेशनल इलेक्शंस एंड ऑल्सो इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंटेंडेड बेनिफिशरीज फॉर वेरियस वेलफेयर स्कीम्स. जब भी हम बच्चे कास्ट सेंसस करवाते हैं उसका काम, इकलौता काम ही ये होता है वैसे, बेनिफिशरीज आइडेंटिफाई करने का. ऑन दी अदर हैंड जो हमारा नेशनल सेंसस होता है वो आपको एक पॉपुलेशन की पिक्चर देती है कि इंडिया की पॉपुलेशन जा किस तरफ को रही है, क्या हो रहा है. कास्ट सेंसस का सीधा मुद्दा होता है कि हमारे पास कुछ एक मिनिमम, हमारे पास इतने सामान है बांटने वाला और हमारे को आइडेंटिफाई करने की किसको जरूरत है, उसके लिए कास्ट सेंसस सिंपली वो चीज करती है. तभी इसको आई थिंक पटना हाईकोर्ट ने मंजूरी भी दी थी और डांट भी दिया था दूसरे वालों को कि क्या हो गया, सरकार कुछ तो आइडेंटिफाई करने के लिए करेगी ना, है ना. अब आपका दिमाग पॉलिटिक्स की तरफ जा सकता है, ट्रू भी होता है. राइट, बट सही चीज भी होती है, बेनिफिशरीज को आइडेंटिफाई तो करना ही है. हो रखा है एससीसीसी, बाय द वे, एक मिनट बच्चे मेरे को 5 मिनट और दो फिर कर दो. बाय द वे इस, ये जो सेंसस था, जस्ट टू लेट यू गाइस नो, इसके अंदर ना सर्टिफिकेट पूछा नहीं गया था. यू कैन सेल्फ आइडेंटिफाई, दो फेजेस में हुआ था एंड यू कुड सेल्फ आइडेंटिफाई. आपसे सर्टिफिकेट नंबर नहीं मांगा गया कि आप उस कैटेगरी के हो या नहीं, तो भी आपको ऐसी सी पिक्चर, ल्यूड पिक्चर देखने को मिल रही है, डिस्टॉर्टेड पिक्चर देखने को मिल रही है, बिकॉज यू कैन आइडेंटिफाई. हो सकता है किसी के दिमाग में आ गया हो, है ना, कि इसके बाद में रिजर्वेशन का मुद्दा उठेगा या ये है, तो पहले से ही आइडेंटिफाई करके रख लो. तो इस चक्कर में आपकी जो जनरल पॉपुलेशन है वो 15.5% रह गई है. ठीक है बच्चे, एक जो इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर हमें नोट लिखना जरूरी है, इज द वन की डिफरेंस बिटवीन सेंसस. हाँ, एंड कास्ट सर्वे, या ऐसे करो डिफरेंस बिटवीन सेंसस एंड एसईसीसी, सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस. जो एसईसीसी बाय द वे इंडिया में 2 बार हुआ है, आखिरी हुआ था इससे पहले वाला 1931 में, और अभी भी एसईसीसी का पूरा डाटा आउट नहीं हुआ जो नेशनल लेवल का है. ये बिहार का स्पेसिफिक है. सेंसस प्रोवाइड्स अ पोर्ट्रेट ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन, ये आपका प्री में आ सकता है क्वेश्चन, ये यूपीएससी थोड़ा सा पूछता है इस टाइप की चीजों को.
पोर्ट्रेट ऑफ इंडियन पॉपुलेशन व्हाइल द SECC इज अ टूल टू आइडेंटिफाई बेनिफिशरीज. अब ना दो पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लो, सेंसस और दूसरा SECC. सेंसस फॉल्स अंडर द सेंसस एक्ट ऑफ 1948. सेंसस एक्ट ऑफ 1948. सेकेंड पॉइंट इसी के नीचे लिख लो, किस कौन सी मिनिस्ट्री कराती है इसको? ना 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 ना, इतना बड़ा काम नहीं देंगे उसको, बहुत बड़ा काम है ये घर का. होम मिनिस्ट्री, कंडक्टेड बाय ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल. कंडक्टेड बाय ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार, ये भी इंपॉर्टेंट है, इमिजिएटली मौसपी आएगा दिमाग में, वहां पे भी होम मिनिस्ट्री का काम है ये. इज कंडक्टेड बाय ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर. हो सकता है एक दिन आप भी बनो, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस वाले भी जाते हैं इस तरफ को. एंड सेंसस कमिश्नर कॉमा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, MHA का ये. SECC की तरफ लिखिए, वॉज फर्स्ट कंडक्टेड इन 1931. क्यों किया होगा 1931 में? उस तरफ को जाना चाह रहे थे. फर्स्ट कंडक्टेड इन 1931 नेक्स्ट, मतलब सेकंड पॉइंट लिखिए, सेकंड वाज डन इन 2011, इन जून 2011. ये भी एक डोर टू डोर एन्यूमरेशन प्रोसेस था 2011 बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट. ठीक है, समझ में आ गया इतना? तो SECC और सेंसस के बीच में अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा ना, वो यही दो तीन पॉइंट्स हैं. और बाकी अपने सेंसस का तो आपको पता ही होगा कि फर्स्ट टाइम कब कंडक्ट हुआ, कौन से साल में कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन ऐड होती रही, ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है. लास्ट बस जाते जाते मुझे बस ये बता दो, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द बिहार कास्ट सर्वे फाइंडिंग्स? क्या होगा सिग्निफिकेंस, क्या है इस सेंसस की? ठीक है, लिख लो. नंबर वन, इंक्रीजिंग OBC कोटा. नेक्स्ट इज रीड्रॉइंग ऑफ 50% रिजर्वेशन सीलिंग. '92 में केस हुआ था, हाँ, इंदिरा सोने वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, तो उन्होंने रिजर्वेशन को कैपिंग कर दी थी कि इससे ज्यादा नहीं कर सकती कोई भी स्टेट किसी भी चीज में. अगला, क्योंकि बिहार स्टेट है तो एक एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आएगी इसमें, रियलाइजेशन ऑफ सर्वोदया. नो वन शुड बी लेफ्ट बिहाइंड, रियलाइजेशन ऑफ सर्वोदया एंड फुलफिलमेंट. लास्ट पॉइंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशंस, क्योंकि आप बेनिफिशरीज आइडेंटिफाई करोगे ना इसमें. तो बच्चे ऑनलाइन जो है मेरे को आप अपने आंसर्स यहाँ पे भेज देना, और जो पुराने वाले हैं ये भी आपको मैं थर्सडे फ्राइडे तक सबमिट करा दूंगा वहाँ पे.
इकट्ठे। इनका नाम मेंशन नहीं है यहाँ पे, कौन है एनीवन? हाँ अंबेडकर साहब। ठीक है बच्चे, एक टॉपिक इसके अंदर आपका है, पेंडिंग है, किसी को अगर इशू होगा उसको समझने में तो मुझे बता देना, विल डिस्कस। ये अगली बार ये ले ही आना साथ में, ठीक है, देख लेंगे एक बार इसको। ऑल राइट बच्चे, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच ऑनलाइन। That is all about today's lecture. I hope कि आज जो हमने पढ़ा है इसमें से आपके prelims और mains में कुछ relevance के साथ सवाल आ जाएं। अगर सवाल आ गया इसमें से, you will definitely be having an edge over a major population of India who is preparing for the same examination right now. Let me tell you about the current affairs master course 2024. इस course के अंदर आपको basically तीन चीज़ें मिलती हैं जिसके थ्रू आपका जो करंट अफेयर्स है वो पूरी तरह सॉर्टेड हो जाएगा फॉर योर प्री मेंस एज वेल एज योर इंटरव्यू। नंबर वन, यू गेट वीकली लेक्चर्स जो कि ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन फॉर्मेट में लाइव आपको मिलेगा। क्या फ़र्क है इसमें और अभी करंट वीडियो के अंदर, दैट इज़ कि इसके अंदर आपके पास में इंटरेक्शन, काउंटर क्वेश्चनिंग करने की सहूलत होगी। नाउ एवरीबडी नोज़ कि अगर आप काउंटर क्वेश्चनिंग और सवाल जवाब करते हैं तो आपकी मेंटल एबिलिटी इंक्रीज होती है, आपके न्यूरल नेटवर्क्स बढ़ते हैं, दैट इज़ हाउ वी शुड प्रिपेयर फॉर एनीथिंग। नेक्स्ट, यू गेट वीकली पीडीएफ्स, जो टॉपिक्स यहाँ पे कवर नहीं होते हैं लेक्चर्स के अंदर उसको वीकली पीडीएफ के फॉर्मेट के अंदर आपके डैशबोर्ड के अंदर प्रोवाइड किया जाता है, राइट, ताकि आपका कुछ भी पार्ट जो है वो मिस ना हो, इसके बाहर आपको जाने की ज़रूरत ही नहीं है। लास्ट, यू गेट वीकली टेस्ट, जो भी हमने पढ़ा है उसको हम कंसोलिडेट करेंगे वीकली एक टेस्ट देके, राइट, दिस इज द त्रिशूल मॉडल। अगर आप त्रिशूल गाड़ दोगे तो उसके बाद में आपको करंट अफेयर से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज द कंप्लीट कोर्स, इस कोर्स के बाहर आपको कुछ भी और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, गो चेक इट आउट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल ताकि आपके पास ये जो लेक्चर्स हैं ये आपको रेगुलरली आपको मिलते रहे, कुछ भी चीज़ आपकी मिस ना हो। अगर आपने सोच लिया है, वी हैव ड्रीम्ड इट, वी कैन डू इट। जिद से जीत तक।